बस इतने उम्मीद रखता हूँ मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ अपने समाज में नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टिसिपेट करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता उसका साथ न दे, और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा। प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं। जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए, और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनी है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। इतनी इसकी निंदा की जाए निकृष्टता का वो कम होगा, लेकिन अखिलेश यादव जी की जुबान नहीं खुलेगी, अवधेश प्रसाद जी सांसद की जुबान नहीं खुलेगी। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो रेप पर राजनीति बंद करो, लेकिन दुर्भाग्यवश रेप पर राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश और वहां की जो ये घटना है, ये इतनी संवेदनशील घटना पर भी दुखद है कि राजनीति निरंतर चालू। तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भदरसा में 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप कांड होता है, गैंगरेप होता है उसका, और इसको लेकर लगातार राजनीति हो रही है। आज बीजेपी का एक डेलीगेशन वो अयोध्या पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा और पीड़ित परिवार से मिला और जो सहायता राशि 5 लाख रुपए थी उसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए और जो भी कानूनी मदद हो या जो कुछ भी हो हर तरीके से मदद दिलवाने की कोशिश की। लेकिन इस पर राजनीति रुक नहीं रही। गैंगरेप कांड को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए एक बड़ी मांग रखी। उन्होंने अपनी मांग में कहा कि पीड़िता को अच्छी चिकित्सकीय प्रबंध कराने और पीड़िता की हर संभव सुरक्षा सुनिश्चित करवाने के साथ ही अब इसकी राजनीतिक बयानबाजी को लेकर प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने कहा कि बलात्कार पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से बलात्कारी पीड़िता के लिए अच्छा चिकित्सालय प्रबंध कराए, बालिका के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। माननीय न्यायालय से विनम्र आग्रह है कि स्वतः संज्ञान लेकर स्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए अपने पर्यवेक्षण में पीड़िता की हर संभव मदद और सुरक्षा सुनिश्चित करवाए। बदनीयत लोगों को इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने से इनका जो मंसूबा है वो कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। तो ये अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये कहा। अब आपको बीजेपी का जो डेलीगेशन आज गया था अयोध्या में पीड़ित परिवार से मिलने, मुलाकात के बाद डेलीगेशन ने क्या कुछ कहा आपको पहले वो सुनवा देते हैं, सुनिए। पीड़ित परिवार से मैं मिली हूँ माता जी से और उनके दर्द को हमने समझा है कि किन परिस्थितियों में वो अब तक इस चीज को बच्ची छिपाती आ रही थी डर के मारे, धमकी के मारे, लेकिन जब उसके पेट में असहनी दर्द हुआ, मेडिकल जांच आई तो पता चला कि उसके साथ क्या हुआ है। और जैसे ही यह संज्ञान में आया योगी बाबा जी ने,
अपने सुशासन को दिखाते हुए अपराधियों पर कार्रवाई किया। और अभी हम लोग पीड़ित परिवार से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिला है। पीड़िता की बेटी की माँ से पूरी वार्ता की है और जो चीजें हमें सब समझ में आई हैं उनका संज्ञान लिया है। पूरी रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को सुपुर्द करेंगे और जिन अत्याचारियों ने दुराचारियों ने ये घटना घटित की है हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की किसी भी स्तर पर छोड़ने वाली नहीं है और इस तरीके की सोच रखने वाले दल के नेताओं को भी हम बताएंगे कि आपको इन दुराचारियों इन व्यभिचारियों के पक्ष में खड़ा होना महत्वपूर्ण है। कन्या की आवाज उसका दर्द इनको सुनाई नहीं पड़ा। डीएनए की जांच की बात की है अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश यादव जी पीडीए की बात करते हो और ये मछुआरे समाज की बेटी का दर्द आपको नहीं दिखाई सुनाई पड़ा। तो ये बीजेपी का जो डेलीगेशन आज अयोध्या पीड़ित परिवार से मिलने गया था ये उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। अब आपको सुनवाते हैं समाजवादी पार्टी और बीएसपी के नेता इस पूरी घटना पर क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आप वो भी सुन लीजिए। समाजवादी के लोग जो है कुछ लोग रात में आए थे समझौते के लिए दबाव बना रहे थे, तो हमने कहा भाई ये जानकारी मुझे तो नहीं है लेकिन अगर आपके द्वारा जानकारी मिल रही थी गलत है, इस तरह के जो मुलजिम उनके साथ किसी दल को नहीं खड़ा होना चाहिए। और जहां तक डीएनए की बात है ये तो साफ है कि जो पीड़िता है वो हॉस्टल में भर्ती है और वो खुलेआम जब बयान दे रही है पीड़िता का जो बयान आ रहा है तो उसके बयान के बाद फिर डीएनए की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इस तरह समाजवादी कह रहे हैं तो निश्चित है मुलजिमों को बचाने की एक साजिश कर रही है। और जब इनकी गवर्नमेंट थी तो हमें नहीं लगता कि इन्होंने इस तरह की घटना में कहीं डीएनए की जांच कराई थी। और अगर वो पीड़िता जिंदा है बयान दे रही है कि मेरे साथ क्या हुआ कैसे हुआ तो फिर डीएनए की जरूरत कहां पड़ गई। अयोध्या के घटना को इतना हाईलाइट क्यों? अयोध्या में विधानसभा का बाई इलेक्शन होना है, उसका फायदा उठाना। समाजवादी पार्टी का नाम एक वहां के स्थानीय किसी व्यक्ति को तथाकथित समाजवादी पार्टी का नेता बता देना और वहां के संबंधित सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ कि उनका आदमी है जोड़ देना, ये आम आदमी को बात समझ में आ रही है कि अगर इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद कौन उसकी वकालत करता है, कोई भी हो, उसने आपके साथ फोटो खिंचा ली हो या मेरे साथ फोटो खिंचा ली हो, अगर इस तरह का अपराध करता है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन यहां तो नंबर बढ़ाना है, कानून की कार्रवाई के लिए अभी आगे उसको कोर्ट के जरिए क्या होगा यह अपनी जगह है, बुलडोजर यह कार्रवाई हमारी है, इसका नंबर हमको मिलना चाहिए, इनकाउंटर यह कार्रवाई हमारी है, इसका नंबर हमको मिलना चाहिए। तो नंबर बढ़ाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि नंबर बढ़ाया जा रहा है, सामने चुनाव है, मतलब इतने संवेदनशील घटना को भी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, एक्शन हो रहा है तो फिर यह कहा जा रहा है कि भाई पहले डीएनए टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो, उसके बाद ही कुछ कहा जाए। तो यह क्या है यह आम जनता बखूबी समझ रही है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे और आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे कौन कौन से मेहमान शामिल हो रहे हैं एक बार परिचय करा देते हैं आपका। अशोक तिवारी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अनु शिवरे नेता कांग्रेस, पिंटू तोमर राजनीतिक विश्लेषक और डॉक्टर अविरल मलिक नेता बीजेपी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर चर्चा में। अशोक तिवारी जी चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे करेंगे। ये जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई पूरी तरीके से मामले की संवेदनशीलता को बनाए रखना चाहिए और पीड़िता को हर संभव सुरक्षा देनी चाहिए, आपको नहीं लगता इस मामले में तुष्टिकरण वाली राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति इन्वॉल्व दिख रही है आपको कि नहीं? अशोक जी स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट, पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सारी संवेदना
पूरी पार्टी की संवेदना पीड़िता के साथ है। ये घृणित और जघन्य कृत्य हुआ है, इसकी सभी निंदा करते हैं और कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिए। जो जो भी दोषी हो उसके उसके ऊपर कठोर से कठोर दंड उसको दिया जाए, यहाँ तक फांसी भी देना हो तो दिया जाए, कोई गुरेज नहीं है। बस यह है कि साबित होना चाहिए, दोष भी साबित होना चाहिए, प्रशासन की संलिप्तता ना हो और दोष साबित हो, नार्को टेस्ट करा लिया जाए, डीएनए करा लिया जाए, जो भी उचित हो, और अगर दोषी है तो उसे फांसी पर अटका दिया जाए। और ये घृणित कार्य है, जघन्य कार्य है, इसके साथ कभी समाजवादी पार्टी हमेशा पीड़िता के साथ है और पीड़िता रहेगी, और पीड़िता को कम से कम 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। सरकार से हमारा आग्रह है कम से कम 20 लाख और अधिक हो सके तो अधिक मुआवजा पीड़िता को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो परिवार पीड़ित है और परिवार के ऊपर आफत आ गई है। एक नहीं अशोक जी, बिल्कुल जो दोषी हो उसे सजा देनी चाहिए। देखिए मेरा मानना है कि अशोक तिवारी जी, जब भी आप डिबेट में आते हैं आप पूरी चर्चा के पूरी तैयारी के साथ आते हैं। मेरा सवाल सीधा सा है, उत्तर प्रदेश में ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं जिस पर नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट की मांग की है समाजवादी पार्टी ने? जरा अगर आप लिस्ट लाए हो तो वो मुझे गिनवा के बता दीजिएगा जरा। देखिए जहां पर स्थिति बहुत स्पष्ट होती है, राजनीति जैसी बात नहीं होती है, वहां पर आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जहां पर राजनीति की जा रही हो सत्तारूढ़ दल द्वारा, टोटल राजनीति, इसमें समाजवादी पार्टी का नाम लाया जाना, समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना इस चीज से नहीं है, समाजवादी पार्टी कहीं से इसमें संलिप्त नहीं है। सवाल इस बात का है, सांसद को लाना, सांसद के साथ किसी का भी फोटोग्राफ हो सकता है। बीएचयू में तीन लोग संलिप्त पाए गए थे, रेप घृणित कार्य था, बहुत ही संवेदनशील घटना थी, और उसमें जो है आईटी सेल के तीन जो है लोग संलिप्त थे भाजपा के आईटी सेल के, और उनके फोटोग्राफ आप देखेंगे योगी जी के साथ हैं, सुदन जी सिंह के साथ हैं, केशव मौर्य के साथ हैं, तमाम ऐसे नेताओं के साथ हैं उनके फोटोग्राफ। तो क्या कह दिया जाए कि नहीं, अशोक तिवारी जी घटना कोई भी हो घटना दुखद होती है, वहां पर डीएनए टेस्ट की मांग की थी क्या समाजवादी पार्टी ने? जी वहां पर ऐसी आवश्यकता नहीं थी, वहां पर मांग करने की जरूरत नहीं थी, वहां पर क्लियर से यहां पर मांग की जरूरत क्यों पड़ी? वो जो खास नाम आ गया इसीलिए क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर ये प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है कि प्रशासन संलिप्त है, संलिप्तता दिखाई दे रही है, शासन इस पर राजनीति कर रहा है, भाजपा राजनीति कर रही है इस पर। अच्छा सवाल इस बात का है, समाजवादी पार्टी का कोई भी ऐसा बड़ा नेता इसमें सम्मिलित नहीं है, लेकिन माननीय सांसद जी के साथ फोटो दिखा करके इसको गड़ा जा रहा है, क्योंकि फोटो किसी के साथ किसी की हो सकती है। मैंने बताया ना योगी आदित्यनाथ जी के साथ फोटो है, बीचू के रेप 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 में जो है शामिल लोगों के, सुरंजीव सिंह के साथ है, केशव मौर्य के साथ है, तो क्या ये लोग शामिल हो गए क्या? फोटो किसी के साथ किसी की हो सकती है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप सांसद जी पे उठा दें। ठीक है कोई बात नहीं, अशोक जी मैं आपके पास आऊंगा। अविरल जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही है, पूरी राजनीति हो रही है, और वो कह रहे हैं कि हम तो चाह रहे हैं हमारी पार्टी का कोई नेता नाम है नहीं, फोटो किसी की भी वायरल हो सकती है, कोई भी आके नेता के साथ तस्वीर खिंचवा सकता है, हम ये चाह रहे हैं कि पूरी तरीके से पहले संतुष्टि हो जाए इसके बाद कार्रवाई हो। सीमित नहीं है वो व्यक्ति, इनका पदाधिकारी भी है, उसके साथ साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या बयान है, उन्होंने क्या ट्वीट करके मांग की है, इस बात को भी जरा बता दें। डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए, इनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है, इनके अंदर मानवता नाम की चीज नहीं बची है, ये बहुत दुखद है और जनता इस चीज को देख रही है, जनता समझ रही है कि किस प्रकार से ये आरोपी को बचाने का कितना प्रयास कर रहे हैं, अथक प्रयास से कर रहे हैं आरोपी को बचाने का, ये पूरे जोर लगा रहे हैं उस आरोपी को बचाने के लिए। तो इसके पीछे क्या कारण है? कोई भी राजनीतिक व्यक्ति कोई कार्य करता है, कोई फैसला लेता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई मंशा होती है, कोई ना कोई तर्क होता है। तो इसके पीछे तर्क ये है, इसके पीछे इनकी ये मंशा है कि वो एक पर्टिकुलर रिलीजन से आता है,
और वो इनका वोट बैंक है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स में विश्वास रखने वाले लोग हैं, इसीलिए कुछ नहीं बोलेंगे। तो वोट बैंक की राजनीति केवल और केवल करना जानते हैं, ये एक वर्ग का साथ एक वर्ग का विकास करने में माहिर है। हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो एक वर्ग का साथ एक वर्ग का विकास करते हैं, और एक वर्ग के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं कि वो लोग इनके साथ नहीं है लेकिन ये उनके पीछे पड़े हुए हैं। इस हद तक ये एक प्रकार से गिर चुके हैं कि आरोपी को बचाने का कार्य कर रहे हैं। इनकी सरकार जब उत्तर प्रदेश में हुई तब क्या कुछ हुआ करता था, अशोक जी बेहतर जानते होंगे, भलीभांति इन्हें मालूम होगा किस प्रकार से दंगे हुआ करते थे, माफिया पनपा करते थे, गुंडे भ्रष्टाचारी बाज उड़ाया करते थे, वो सबको मालूम है। इसीलिए इन्हें खदेड़ने का कार्य किया जनता ने वोट की चोट करके, और इस बार भी जनता वोट की चोट निश्चित रूप से इनके ऊपर करेगी, क्योंकि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस स्थान पर भी। ये शर्म आनी चाहिए, महिला सुरक्षा के विषय में दो शब्द बोलने को तैयार नहीं है। ये महिलाओं पर शोषण का विरोध नहीं करना चाहते हैं, ये महिला सुरक्षा के विषय में कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया है अपनी सरकार के दौरान, इन्होंने कुछ नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं का किस प्रकार शोषण हुआ करता था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, वो किसी से छुपा नहीं है। और जिस तरीके से इनकी सरकार के दौरान माफियाओं को बढ़ावा मिला, गुंडों को बढ़ावा मिला, अतीक अहमद को बढ़ावा मिला, मुख्तार अंसारी को बढ़ावा मिला, उस विषय पर अशोक कुछ बोलना चाहे तो बिल्कुल बोलेंगे, स्वतंत्रता है बोलने की। और जिस तरीके से इस आरोपी को एक सेकंड अविरल जी अशोक तिवारी जी कह रहे हैं कि कार्रवाई हो, हमें कोई समस्या नहीं है, फांसी पर चढ़ा दीजिए उसको, लेकिन वो कह रहे पहले डीएनए टेस्ट करवाइए, पहले नार्को टेस्ट करवाइए, पहले उनको संतुष्ट करिए, इसके बाद ही ले जाइए, क्योंकि एक खास वर्ग का नाम जो आ गया है ना अशोक जी। ऐसा कुछ नहीं है, ये कहना चाहते हैं वो 12 साल की बच्ची झूठ बोल रही है। इन्हें 12 साल की बच्ची के ऊपर यकीन नहीं है, इन्हें शर्मिंदा होना चाहिए अपने विचारों पर। अपराधी से अपराधी होता है, गिरावट है ये, दोषी होता है, अपराधी अपराधी होता है, उसमें जांच देखना चाहिए ना धर्म देखना चाहिए, कोई किसी भी जात का हो किसी भी धर्म का हो, अगर अपराधी है दोषी है तो उसे कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए और यहाँ तक कि फांसी भी जला देना चाहिए। ऐसे गणित काम के लिए ठीक है, इतनी छोटी बच्ची के अपराध हुआ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अशोक जी, अविरल जी मैं आपके पास आऊंगा, शिवरी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए जिस तरीके से अभी चल रहा है, एक इतना संवेदनशील मामला है उस पर इतनी राजनीति हो रही है, एक तो ये कि अभी तक कांग्रेस का डेलीगेशन या कांग्रेस के जो शीर्ष पदों पर नेता हैं वो अभी तक नहीं पहुंचे इस मामले में, चुप्पी साधे हुए हैं। अनु शिवरे जी क्या रीजन है इसके पीछे? पहले तो सर प्रथम उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल पहला हमारा ये मांग है। और जो दोषी है, अपराधी की कभी भी कोई जात नहीं होती, अपराधी हमेशा अपराधी होता है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे जेल भेजा जाए, फांसी चढ़ाई जाए, ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम। अब बात रही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार समाजवादी पे और लगातार तमाम आरोप लगा रहे हैं, तो इससे पहले भी मैं दिखाना इनको ये शीशा दिखाना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में तमाम जब बलात्कार हुए थे भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप थी। भारतीय जनता पार्टी बनारस के एबीपी के कार्यकर्ताओं ने जब बलात्कार किया था, साफ नाम था उन लोगों का, वो एबीपी के कार्यकर्ता थे, तो उन पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई, क्यों उनको बचाया गया, बता दें ये मुद्दे पर चर्चा। अविरल जी देखिए मैं डिबेट मॉडरेट कर रहा हूँ ना, अविरल जी मुझे करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। सर्टिफिकेट क्या हुआ है जी? अनु जी बोलिए, आप इस मैटर को राजनीतिक हवा देना चाह रहे हैं क्योंकि ये अयोध्या से इन ये कह रहे हैं कि जनता ने नकार दिया, अयोध्या से जनता ने इनको नकारा है, ना कि समाजवादी पार्टी को नकारा है, ना एनडीए गठबंधन को, लगातार जनता इनको खदेड़ रही है, उस चुनाव में भी देखने को मिला, तो इसमें राजनीतिक मुद्दे की बात ही नहीं है कि आप उसको इतना वो कर रहे हैं। बात सर्वप्रथम इतनी है, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो चाहे वो किसी भी दल का, उसको पहले जेल भेजिए, उस पर तत्काल कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई करिए कि आने वाली नस्लें ऐसा कृत्य कभी भी नहीं, 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 वो कार्रवाई तो देखिए शुरू हो चुकी है, वो धड़ाधड़ काम शुरू हो गया है, वो कार्रवाई तो होगी। मेरा सवाल सीधा सीधा अनु जी, देखिए ना दाएं बाएं नहीं, दाएं बाएं बिल्कुल नहीं, मेरा सवाल ये कांग्रेस पार्टी कहाँ है, कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन कब जा रहा है अयोध्या? सर
ये राहुल जी और प्रियंका जी, एक सेकंड अनुज जी, उन्नाव वाली घटना आपको याद है जब राहुल गांधी का पूरा डेलीगेशन जा रहा था और उत्तर प्रदेश में रुक गया तो हाय तौबा हो गया था। कहाँ है राहुल गांधी? डेलीगेशन क्यों नहीं गया बेटा अभी तक? धरने पर क्यों नहीं बैठे? सजा की मांग धरने पर बैठ के क्यों नहीं कर रहे? अयोध्या भी पहुंचेंगे अभी राहुल जी। वायनाड, वायनाड से आए, वायनाड का मसला इतना बड़ा है और उससे भी बड़ा मसला ये है, मगर यहाँ पे भी पहुंचे। वायनाड में ट्वीट भी नहीं हो सकता था सर, इंटरनेट नहीं चलता वायनाड में, कौन सा ट्वीट दिखाइए मुझे सर। समय तो दे दीजिए, उत्तर प्रदेश में अजय राय जी प्रदेश अध्यक्ष है, अजय राय जी गए चार अजय पीड़ित परिवार से मिलने गए। प्रियंका गांधी जी पे चार्ज नहीं है, अजय राय है ना उत्तर प्रदेश में, वो गए प्रदेश अध्यक्ष है, वो पहुंचेंगे सर। कब पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे? दूरी किस बात की बना रहे हैं आप सर? इसमें दूरी का कहां से मसला आ गया? ना ना, एक इतनी संवेदनशील घटना है, पूरे प्रदेश से लेकर पूरे देश में ट्रेंड कर रही है, आप विपक्ष में हैं, आपको तो चल के सामने आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं पक्ष ये रख रहा हूँ कि उस पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। बात रही कि प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे या थोड़ा लेट पहुंचे या जल्दी पहुंचे, पहुंचेंगे निश्चित रूप से पहुंचेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से। वो शादी समारोह में ही नहीं है कि थोड़ा लेट पहुंचेंगे तो बता देंगे कि थोड़ा फंस गए थे हम। सर पहुंच रहे हैं ना सर, ये पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का मसला है, उनसे भी अच्छा पहुंच रहे हैं, ठीक है पहुंच रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, एक सेकंड अरुण जी, एक सेकंड देखिए, अभी चर्चा की शुरुआत हुई है, चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी सबकी नियति जो है स्पष्ट हो जाएगी। आप पवित्र में मत बनिए, आप पे तमाम उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में आरोप है। ठीक नहीं, ठीक है, वो चर्चा आगे। पिंटू तोमर जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, बहुत स्पष्ट है सवाल, ये कि एक इतनी संवेदनशील घटना और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि भैया डीएनए टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो, पहले संतुष्टि हो, उसके बाद कोई कार्रवाई हो, कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ये सब बाहरी तय हो जाएगा क्या? और क्या एक खास नाम आने की वजह से सब लोग दूरी बना रहे हैं क्या इस घटना से? पिंटू जी, मुझे लग रहा है कि इसमें सवाल दोनों को खड़ा होगा, इसमें सवाल योगी आदित्यनाथ से भी खड़ा होगा और विपक्ष से भी खड़ा होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो हमारी बहन बेटियों से खान करेगा अगले चरण से यमराज मिलेगा। बाकी अयोध्या वाली इतनी बड़ी घटना होगी, पहले 12 साल की बच्ची थी वो, उसके साथ इतनी निर्ममता की गई, आगे चौराहे पे यमराज को नहीं मिला, गाजीपुर में तो उससे भी ज्यादा बड़ा अपराध हो गया, महज 2.5 साल की बच्ची थी। हालांकि यूपी पुलिस की मैं तारीफ करना चाहूंगा। पिंटू तोमर जी, पिंटू तोमर जी, थोड़ा आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, तो आप जो फोन है उसको थोड़ा कान के पास लगा लेंगे तो आपकी आवाज क्लियर आएगी। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सवाल दोनों पे उठेगा, सवाल योगी आदित्यनाथ पे भी उठेगा, सवाल विपक्ष पे भी उठेगा। राहुल गांधी हाथरस की घटना के 12 से 14 घंटे के बाद हाथरस पहुंच गए थे, तब क्या पूरे देश में एलओपी है? मान लिया वो विपक्ष के नेता है, लेकिन क्या वायनाड के अलावा पूरे देश में और दिक्कत नहीं थी? उसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो हमारी बहन बेटियों से छेड़खानी करेगा उसको अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। अयोध्या में कहा थे वो यमराज? इसके अलावा छोड़ दीजिए आप, ये तो 12 साल की बच्ची थी, गाजीपुर में महज 2.5 साल की बच्ची के साथ इसी तरह का दुष्कर्म किया गया। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूंगा यूपी पुलिस की, जिन्होंने महज 7 दिन में उसमें चार्जशीट लगा दी और दोषियों को जेल के पीछे पहुंचा दिया। अभी हमारे समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के जो मित्र हैं वो ये कह रहे थे कि बनारस में घटना हुई बेहद दुखद है, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी ने तो डीएनए टेस्ट की मांग नहीं करी। क्यों इसी मामले में डीएनए टेस्ट की बात की जा रही है? क्यों राहुल गांधी इसी मामले में नहीं आए जबकि हाथरस और वहां पहुंच गए? बेहद दुखद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह की जो 12 साल की बच्ची, 2.5 साल की बच्ची है, जहां उनके साथ इस तरह का अपराध किया जा रहा है, वहां पे इस तरह की मांग विपक्ष दल कर रहा है। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए इस चीज पे, इस चीज पे ये नहीं होना चाहिए कि फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश पासी जीत गए, ठीक है, बनारस में जो आरोपी थे उनके फोटो थे वो जेल गए, उनको मुझे लगता है कि पीड़ित को न्याय देने का पुलिस ने काम किया। अब यहाँ अगर उनके साथ फोटो आ गए हैं अवधेश पासी के साथ उस आरोपी के, तो अगर उनको जेल भेजा जा रहा है तो इसकी पीड़ा क्यों हो रही है? ये पीड़ा नहीं होनी चाहिए थी। आपका शिवम सर कहना बिल्कुल सही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नाम आया है उस नाम को लेकर राहुल गांधी ने भी दूरी बना ली है और अखिलेश यादव ने भी इस तरह का ट्वीट किया कि डीएनए करना चाहिए। 2012 से 2017 तक सरकार रही, साजापुर की घटना आपको याद होगी, तो सभी बहनों को
दुष्कर्म करके फांसी पे लटका दिया गया था। क्या उस समय डीएनए नहीं होता था? बिल्कुल होता था। आगरा में फोरेंसिक लैब बन चुकी थी, उत्तर प्रदेश में थी, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। तब क्यों नहीं करवाया गया था आरोपियों का डीएनए? तब क्यों नहीं सीधे पुलिस में एनकाउंटर करके जेल भेजा था? ये बहुत सारे सवाल है। लेकिन मेरा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सिर्फ ये कहना है कि कोर्ट पे भरोसा रखिए। गुजरात का मामला आता है, चंडीगढ़ का मामला आता है, सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते हैं, लेकिन वहीं अगर कोई और मामला आ जाता है, राम मंदिर का मामला आ जाता है, तो उस पर आपको पीड़ा होती है। कम से कम ऐसा मत कीजिए। आपको अगर लगता है कि यूपी पुलिस सही जांच नहीं कर रही है, ईडी सही जांच नहीं कर रही है, सीबीआई सही जांच नहीं कर रही है, तो आपके पास सबसे बड़ा जो हथियार है, सबसे बढ़िया जो रहनुमा है, वो कोर्ट है। कम से कम उस पर तो भरोसा रखिए। ऐसा मत कीजिए कि आप सारी सरकारी एजेंसियों को एक तरफा कर दे कि नहीं, ये सही नहीं कर रही है, जो कह रहे हैं वो हम सही कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है पिंटू तुमर जी, मैं आपके पास आऊंगा। अशोक तिवारी जी, देखिए फिर सारा मतलब ब्रह्मांड घूम के आइए, सारी कहानी एक ही जगह आकर अटकती है। अटकती ये है कि ये नाम, एक नाम आया और उसके बाद फिर सियासी खेल शुरू हुआ। डीएनए टेस्ट की बात, नार्को टेस्ट की बात, लड़की से लेकर हर किसी की बात हो गई, लेकिन वो जो नाम था, वो नाम बड़ा दुखदायी हो गया है। अशोक तिवारी जी, कोई चीज दुखदायी नहीं होता है। जो घृणित घटना हुई है, इतनी निंदनीय घटना हुई है, छोटी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है जो बहुत दर्दनाक है, और छोटी बच्ची के साथ हम सभी की संवेदनाएं हैं, पीड़ित परिवार के साथ हम खड़े हैं। अगर जांच की बात करते हैं हम लोग, क्या गलत कहते हैं? जो जो भी दोषी हो, कोई तो दोषी होगा, कोई ना कोई दोषी होगा ही होगा। जो दोषी हो उसे फांसी पर लटका दे, उसे कड़ी से कड़ी सजा दे दे, जो भी कानून कहता हो वो सजा दे। हम साथ हैं, हम मांग करते हैं सजा देने की, लेकिन यह है कि नार्को टेस्ट करा लिया जाए, जिसका आरोप है उसका आरोपी का नार्को टेस्ट करा दो, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। अच्छा, डीएनए टेस्ट करा दे, पक्का कर ले कि यही आरोपी है, आरोपी ही दोषी है। तो किसको, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड अशोक जी, ये किसको संतुष्ट करना है नार्को टेस्ट करवा के? संतुष्ट करने की बात नहीं, ये तो न्याय की बात है। हाँ, न्यायिक प्रक्रिया की बात है। अच्छा, तो जो आप कहिए वो पहले हो जाए, उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई हो। भाई, इसमें संलिप्तता दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि प्रशासन में कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अविरल जी, जवाब दीजिए। जब आप ये कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी प्रवृत्ति का वो अगर बहु बेटियों पर हाथ डालेगा तो चौराहा नहीं डाक पाएगा, वो अगले चौराहे पर पुलिस उसका काम तमाम कर देगी, ये जो है विधानसभा में, सदन में ये मुख्यमंत्री जी का ये बयान है कि कोई बहु बेटी पर हाथ डाल के अगला चौराहा नहीं क्रॉस कर पाएगा, पुलिस उसको जो है राम नाम सत्य कर देगी, क्या हुआ सर जी? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से अखिलेश यादव संरक्षण प्रदान करने का एक प्रकार से कार्य कर रहे हैं, प्रथम में उतर आए हैं, वो सबको नजर आ रहा है। अशोक तिवारी जी जिस प्रकार से लाइव टीवी चैनल की डिबेट में समर्थन में उतर आए हैं, वो सबको दिख रहा है। अब उसके बाद ये क्या कहना चाहते हैं, सरकार के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। और जो जनता देख रही है वो भी हंस रही होगी इनके ऊपर, ये खुद ही कंफ्यूज है। कभी कह रहे हैं फांसी लगा दी जाए, तो कभी कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये कहना क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो ये तय कर लें, अखिलेश यादव कुछ और कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं, अशोक तिवारी जी अपना अलग स्टैंड रख रहे हैं, इनकी पार्टी अलग अपना स्टैंड रख रही है, अयोध्या के सांसद अलग ही स्टैंड रख रहे हैं, और किस तरीके से अयोध्या के सांसद से मालूम ही नहीं है हुआ क्या है, अयोध्या के सांसद को इतना सीरियस मैटर लग ही नहीं रहा है, अयोध्या के सांसद के हिसाब से ये मैटर सीरियस नहीं है। वही हमारा स्टैंड है जो हमने, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, हमारी सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उत्साहित होने के लिए सुन लीजिए, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, डीएनए का क्या होगा सुन लीजिए, सत्यापित कर लिया जाए, अगर वो दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यही बात मैं भी कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ कि अगर दोषी साबित हो जाए तो उसको कड़ी से कड़ी डीएनए टेस्ट करा लीजिए, नार्को टेस्ट करा लीजिए, स्टार टेस्ट करा लीजिए, कंफर्म हो जाए कि वही दोषी है। अगर निर्दोष है अधिकारी है, अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, अगर निर्दोष है तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, यही मेरा स्टैंड है, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्टैंड है।
इसमें क्या गलत कह रहा हूं मैं जी? ठीक है अवरेल जी, आपका हो गया हो तो हम बोले जी। देखिए जिस तरीके से अशोक जी कह रहे हैं, इनके समय में क्या कुछ हुआ करता था वो भी सबके समक्ष है, पर आज के समय में क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में वो भी सबको नजर आ रहा है। जिस तरीके से अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, माफियाओं पर कार्रवाई हो जी नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। अशोक जी मेरा आपसे एक सवाल था, देखिए मैं अभी तो आपने कहा कि भाई डीएनए टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो, सब कुछ हो, ये जब आपकी पार्टी थी और आपके पास आपके समय में जब ये घटनाएं होती थी, ये कितने का आप नार्को टेस्ट करवाते थे पहले और फिर डीएनए करवाते थे? जब जो जैसे हालात थे सब वैसा कार्रवाई हुई। आपकी सरकार में हालात ही नहीं ऐसे, मतलब उत्तर प्रदेश के इतने अच्छे दिन चल रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल सही बात कही अभी, ये कह रहे हैं जैसे हालात होते थे वैसा होता था, यानी कि अहमद से अलग बर्ताव होता था, मुख्तार अंसारी को अलग वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था और अन्य लोगों के साथ अलग व्यवहार होता था। इस पर राजी कर रही है, उसका असर भी संदिग्ध दिखाई दे रहा है। नहीं एक सेकंड अशोक तिवारी जी, मुझे खाली सिर्फ दो घटना बताइए जिसमें जब घटनाएं होती थी आपकी सरकार में तो उसमें पहले डीएनए टेस्ट करवाया गया मुख्यमंत्री के द्वारा और इसके बाद नार्को टेस्ट करवाया गया, फुल संतुष्टि पहले की गई और इसके बाद फिर आगे कोर्ट की कार्रवाई की गई और अब फिर आगे मामला पूरा चला। दो घटनाएं बताइएगा मुझे प्लीज। मैंने उन्हें मालूम नहीं है कि पहले का माहौल अलग था, आज का माहौल डर का है, भय का है। ये ठीक, अपराध का है, अपराध का है, मुजरिमर कार्रवाई का है, जिसको जिसको है तो सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब देने की क्षमता रखिए। समाजवादी पार्टी के रास्ते प्रवक्ता है, लेकिन वहाँ कोई प्रवक्ता नहीं हुई थी। आपके पास जवाब क्या है? ये गवर्नमेंट आप जवाब देने में सक्षम नहीं है, ये इस चीज पे हमें आपत्ति है ना। अच्छा ये छोड़ दीजिए, अच्छा ये छोड़ दीजिए एक सेकंड। अशोक तिवारी जी, आपका ये कोई समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन या पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद ये पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं आप लोग? हमारा लोकल यूनिट जो है अयोध्या की, लोकल लीडरशिप जो है वो इस पर पूरा ध्यान रखे हुए है और संपर्क में है। नहीं आपके सांसद जी गए क्या? अयोध्या वाले सांसद गए क्या? वो जो पीडीए के अंतर्गत आते हैं, वो जो अखिलेश यादव के बगल में बैठते हैं, फ्रंट पे बैठते हैं, अखिलेश यादव तो कई बार उन्हें फ्रंट पे कर देते हैं, वो गए क्या? मैंने आपसे स्पष्ट कहा अयोध्या का लोकल लीडरशिप, वो लोकल कौन सा लोकल लीडरशिप जब मैंने बता दिया आपको ना, एक सेकंड, कौन सा लीडर ये है उसमें अवधेश प्रसाद नहीं आते हैं क्या? अवधेश प्रसाद हाई लेवल पे आने लगे हैं। आपको ऐसी बात करते हैं माननीय अवधेश जी ने बात करते हैं, सवाल को जवाब दीजिए, संदेश दिया है उनका। नहीं एक सेकंड, समाजवादी पार्टी में अवधेश प्रसाद जो कि अयोध्या के सांसद है वो भी समाजवादी पार्टी के हैं, वो कौन से पद पे है अभी समाजवादी पार्टी पे, जो भी इंतजार कर रहे हैं कि पहले कार्यकर्ता जाए फिर डेलीगेशन जाए फिर अवधेश प्रसाद आएंगे? अहम ब्रह्माष्टमी अशोक तिवारी जी, अवधेश प्रसाद जी ने, माननीय सांसद जी ने अपना वक्तव्य दे दिया है कि जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, दोषियों को बख्शा ना जाए, दोषियों को एहसान कर दिया, एहसान कर दिया क्या? पीड़ित पर कृपा कर दी लोगों पर, साहूद उनके साथ है, पीड़ित के साथ करते हैं ये लोग, ये राजा खड़े हैं प्रसाद। ठीक है अशोक तिवारी जी, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है अशोक तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगा। देखिए अनुष तिवारी जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरा सवाल वही रहेगा कि राहुल गांधी इस वक्त वायनाड में है, बहुत चिंतित है, आपका पूरा डेलीगेशन और पूरा कार्यकर्ता जो है वो वायनाड में लगे हुए हैं और पूर्व सांसद भी रहे वहां से, चिंता करना जरूरी है, लेकिन सांसद तो उत्तर प्रदेश के हैं ना, राहुल गांधी सांसद तो उत्तर प्रदेश के हैं और अयोध्या की घटना है, सहयोगी दल के सांसद है वहां पर, इतनी बड़ी घटना घटती है लेकिन ना सहयोगी दल का कोई डेलीगेशन पहुंचता है, ना समाजवादी पार्टी का, ना कांग्रेस का। सवाल यहीं पर खड़ा हो जाता है सर कि क्या एक नाम आने से पार्टी दूरी बना रही है? अखिलेश यादव से लेकर ये राहुल गांधी प्रियंका गांधी, कोई तो गांधी परिवार का इस घटना को लेकर एक ट्वीट कर देता सर, ट्वीट भी नहीं आया, वायनाड से ट्वीट नहीं होता, इंटरनेट नहीं चलता वायनाड में। अनुज जी, हेलो अनुज जी, सुन पा रहे हैं? इस दिशा को आप कहीं और मोड़ रहे हैं? आप सही दिशा में मोड़ के दिखाइए,
आप ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा 100% पहुंचेगा। अच्छा पहुंचेगा? ना ना अभी अभी वो घटना नहीं है, अभी सुबह फिर शादी में आइएगा। उत्तर प्रदेश से इससे पहले जो एबीपी के कार्यकर्ता पकड़े गए थे आरोप के बलात्कार में, वो क्यों बचाए गए? उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। एक सेकंड, ना 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 ना, अभिनय जी एक सेकंड, जो जो बनारस वाली घटना थी जिस पर एबीपी के कार्यकर्ता, उस पर तो बकायदा बार बार के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। नहीं उस पर होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, इस पर भी कर देते महाराज, उस पर भी करना चाहिए था ना। नहीं उस पर कर आपने किया, अच्छा किया, बिल्कुल जो अपराधी है वो बीजेपी का हो, एबीवीपी का हो या कहीं का हो, वो जेल में जाना चाहिए, उस पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। वो उसको क्यों अलग कर रहे हैं? वो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूशन भी वो, और लगातार उनको बचाया गया, साफ साफ बचाया गया। हम अच्छा। पहले कह रहे हैं उस बच्ची को न्याय दिलाइए, उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वो चाहे किसी पार्टी का हो। प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा, 100% पहुंचेगा। नहीं, एक सेकंड अनुज जी, पता है क्या है? एक सेकंड अभिनंदन जी एक सेकंड अनुज जी, पता है क्या है? हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जब खेत में कोई बड़ा जानवर या सांड भयंकर वाला घुस जाता है ना, तो लोग दूर से उसको डंडा मारते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो भयंकर है, अगर मुड़ गया तो दौड़ा के मारेगा। तो मतलब यहां से दूर से ही डंडा देखा जा रहा है कि ना ना बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं होनी चाहिए, होनी चाहिए। जाएगा कोई नहीं, पास में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि दो नाम बड़े बड़े ऐसे हैं कि डाइजेस्टेबल नहीं है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि दो नाम बड़े हैं। हाँ वो दो नाम बड़े हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। बड़े हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहुंचेंगे। अच्छा पहुंचेंगे मंडल, प्रतिनिधि मंडल है, शादी में पहुंचेंगे माल्यार्पण करने के लिए, कन्यादान करने के लिए। हमारा पूरा संवेदना उस बच्ची के साथ। हाँ संवेदना, वो पहुंचेंगे। ये सर राष्ट्रीय नेतृत्व का मसला है। बिल्कुल, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मतलब है पिंटू तोमर जी, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मतलब पूरा मसला है। इसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है। बाकी और कोई घटनाएं हैं, आपको तो हजारों घटनाएं याद होंगी जहां पर समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीएसपी हो या बीजेपी हो भी अपने समय पर, ये सबके सब पूरा पूरा एकदम पूरा तमका लेकर पहुंच जाते थे कि ऐसा कैसे हो गया, हाय तो करने लगते थे। इस घटना से सब कोई दूरी बनाए हुए हैं, सब कोई एक लक्ष्मण रेखा खींच दिए कि जाना है लेकिन इसके पास नहीं जाना है वरना करंट लग जाएगा। पिंटू तोमर जी, 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आपके कई बार समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं अशोक तिवारी जी, उनसे आपने पूछा कि क्या वो बता पाएंगे। मैं बताता हूँ आंकड़े, केवल एक साल का आंकड़ा देता हूँ, 2013 का रखा हुआ ये आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। 3050 दुष्कर्म के मामले रजिस्टर्ड हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर। आप यकीन करेंगे कि उसमें कितने नार्को टेस्ट हुए, कितने डीएनए टेस्ट हुए, एक भी टेस्ट नहीं हुआ। इसके अलावा आप छोड़ दीजिए, कुल चार्जशीट कितनी लगी, 3050 केस में 2302 चार्जशीट लगी, यानी करीब 700 से ज्यादा केस बिना चार्जशीट के छोड़ दिए गए। छोड़ दिए गए या उसमें एक स्पेशल नाम था इस वजह से छोड़ दिए गए, ये कारण है। मैं फिर कहूंगा कांग्रेस के हमारे साथी थे जो अभी कह रहे थे कि राहुल गांधी जाएंगे आसपास, और अलीगढ़ पहुंचने में उन्हें 12 से 14 घंटे, बिल्कुल अयोध्या को दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट है जबकि अलीगढ़ और हाथरस की फ्लाइट नहीं है, लेकिन दिल्ली से अयोध्या की रोजाना फ्लाइट है। क्यों नहीं जा पाए राहुल गांधी के लिए? राहुल गांधी दिल्ली से वायनाड से सोनिया जी जा सकती थी, प्रियंका जी जा सकती थी, रॉबर्ट वाड्रा जो राजनीति में आने के इच्छुक है वो जा सकते थे, लेकिन कोई नहीं गया। मैं फिर एक बात कहूंगा, जितने भी अपने 29 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे बेहतर पुलिस है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पे सवाल उठाना चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, पुलिस कोई है, पुलिस नहीं बदली है। पुलिस केवल फरमान का फॉलो करती है जो आला अधिकारी देते हैं, और आला अधिकारी किससे लेते हैं? वो अपने मुख्यमंत्री से लेते हैं। ये ठीक है कि माना किस तरह की घटनाएं हुई है, चाहे अयोध्या में हुई या गाजीपुर में हुई, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से काम किया है वो बहुत बढ़िया किया है। क्यों सर, आप मेरी तरफ से जरूर एक बात पूछिएगा अशोक तिवारी जी से कि 2013 का रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, ये वो रिकॉर्ड है जो संसद में रखा गया था कि 3050 केस हुए थे, उसमें कितने मामलों में नार्को और डीएनए टेस्ट करवाया गया था, महज 2300 उसमें चार्जशीट क्यों दी गई थी? एक बार मेरी तरफ से आप अशोक तिवारी जी से सवाल पूछिएगा। नहीं, सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है, अशोक तिवारी जी के पास जवाब तैयार होगा। अशोक तिवारी जी ने आपका पूरा जो जो भी आपने कहा वो सुन लिया, अशोक तिवारी जी अभी जवाब दे देंगे। अशोक जी जवाब दीजिए फटाफट।
देखिए जब जो समय होता है उस समय वैसे वैसी कार्रवाई होती है। अच्छा मतलब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के समय में हमेशा निष्पक्ष कार्रवाई हुई है और सही कार्रवाई हुई है। अच्छा। जब जो उचित हुआ है तब वो किया गया है। कार्रवाई ऐसे हो गई कि चार्जशीट ही नहीं दायर हो रहा है, मतलब अजीब कार्रवाई, मतलब ताली बजाने योग्य कार्रवाई है ना। अरे अरे अब वो जो भी कुछ कहे बिल्टू जी आदरणीय व्यक्ति है जो कुछ भी कहे हाँ। लेकिन सच्चाई यही है उनके समय में हाँ। पूरी तरह से मुस्तैदी से हाँ। उचित कार्रवाई होती रही है। ऐसी कोई घटना ही नहीं हो रही थी। आप ये जो डाटा लाए तो ये डाटा गलत है आपका। अगर उनके समय में सबको अधिकार मिलता था पूरा पूरा घटना होती भी थी तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होती थी पूरी पूरी हाँ दंडात्मक पूरी कार्रवाई होती थी। पिंटू तोमर जी आपका डाटा गलत है। आप अपना डाटा अशोक जी कह रहे हैं वो करेक्ट करिए। अखिलेश यादव जी के समय में खटाखट ऐसे ऐसे कार्रवाई होती थी है ना अशोक तिवारी जी। ये मेरा और आज आज का जो समय है हाँ। आज के समय में हम पीड़िता के साथ हैं हाँ, पीड़िता न्याय की गुहार करते हैं न्याय की गुहार करते हैं पीड़िता के साथ है और लेकिन दोषी को बख्शा ना जाए और निर्दोष को टच ना किया जाए जी। हाँ तो आप पीड़िता के साथ हैं। अविरल मलिक जी देखिए सवाल आकर घूम फिर के वहीं खड़ा होता है। देखिए कार्रवाई तो हो रही है सब कुछ हो रहा है लेकिन लगातार जैसे कि समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी वो कह रहे हैं कि एक खास वर्ग का नाम आया है इसीलिए जो है ये बीजेपी वाले इतना जो है झन्ना गए हैं। वो कह रहे हैं कि सदन में क्या जरूरत थी नाम लेने की, भाई आरोपी आरोपी होता है कार्रवाई करते, नाम बताने की क्या जरूरत थी, राजनीति आप कर रहे हैं क्योंकि सामने चुनाव है। अविरल जी अच्छा इनका नाम नहीं बताया जाना चाहिए, अगर इनका नाम बता दिया तो इसमें राजनीति हो गई इसका मतलब। किस प्रकार के लोग हैं ये, कहां से आते हैं इस प्रकार के लोग। अशोक जी इस बात को आप जान लीजिए, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि उचित कार्रवाई की जाती थी तो कौन सी उचित कार्रवाई थी वो सबको मालूम है वो कौन सी उचित कार्रवाई होती थी। ये कह रहे हैं कि हालात जैसे होते थे उस आधार पर कार्रवाई की जाती थी, हालातों के आधार पर कार्रवाई होती थी, हालात के आधार पर कार्रवाई होती थी। बिल्कुल सही बात है, जहां जैसा होना चाहिए था तब ऐसा नहीं होता था, हालात के आधार पर कार्रवाई होती थी। अगर नेता आपका करीबी है तो कार्रवाई नहीं होती थी, अगर वो व्यक्ति समाजवादी पार्टी का है तो कार्रवाई नहीं होती थी, अगर वो व्यक्ति एक पर्टिकुलर मजहब का है तो कार्रवाई बंद कर दी जाती थी। क्यों? क्योंकि वो इनका वोट बैंक है, अन्यथा वोट बैंक खिसक जाएगा। इस कारण से कोई भी वोट बैंक की राजनीति करते हैं तो कोई लगा सकता है। नहीं नहीं वोट बैंक आरोप ऐसे नहीं लगते जहाँ आपके नहीं है सुन लीजिए, धुआं वहीं निकलता है, धुआं वहीं दिखता है जहां आग होती है। अब सुनिए जिस तरीके से अपराध बढ़ते गए आपके दौर में और जिस तरीके से आपने अभी कहा हालात के आधार पर कार्रवाई होती थी, बिल्कुल हालात के आधार पर कार्रवाई हुई। मुख्तार अंसारी अतीक अहमद को बख्श दिया गया क्योंकि हालात नहीं थे कार्रवाई करने लायक। आपने मुजफ्फरनगर दंगा होने दिया क्योंकि वहां हालात नहीं थे कि रोके जाए। क्यों? क्योंकि नहीं तो वोट बैंक खिसक जाता। वोट बैंक आपसे जा रहा है, सुन लीजिए ना, आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में मैंने बोला था, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। मुजफ्फरनगर दंगे हुए, वहां आपने कुछ नहीं किया, शांत बैठे रहे। आपके नेता आजम खां के द्वारा क्या कुछ कहा गया था, पुलिस को क्या निर्देशित किया गया था, वो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट 11 साल पुरानी रिपोर्ट वो भी मेरे पास मौजूद है। उन्होंने कहा था कि कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, पुलिस को रोका था, वो भी सबको मालूम है। ठीक है अविरल जी, ये सब कहना जी। ठीक है अविरल जी, मैं आपके पास आऊंगा। अनुज जी आप हाथ उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन उससे पहले एक सवाल ले लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। ये इतनी बड़ी घटना हुई, पूरा देश मतलब एक तरीके से शर्मसार हुआ और उत्तर प्रदेश में बड़ा हो हल्ला हुआ। मेरा आपसे सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है कि ऐसी घटना में जब खास करके 12 साल की बच्ची हो जो सहम सी गई हो जो डर गई हो पूरा प्रदेश शर्मसार हो गया हो, ऐसे समय में आपके सहयोगी दल द्वारा ये डीएनए टेस्टिंग की मांग, फिर उसकी माता जी का नार्को टेस्ट किया जाए, ऐसे समय में ऐसे टेस्ट की मांग करना ठीक था अनु शिवरे जी? ये मैं कहता हूँ कि पहले ये नहीं करनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज आपने कहा ये बहुत बड़ा मसला था, इससे पहले भी कानपुर में दो बच्ची मर गई थी, उनका पिता अपनी बच्चियों के लिए न्याय करते वो भी मर गया था, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को नहीं दिखा था,
भारतीय जनता प्रवक्ता को शायद मणिपुर भी नहीं दिखा था, वो इससे ज्यादा खतरनाक घटना थी तो देश के प्रधानमंत्री को आज तक नहीं देखी है। नहीं अनुज जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए घटनाओं का जनरलाइजेशन मत करिए प्लीज। नहीं सर, आप ये घटना अच्छी थी, वो घटना बुरी थी, अगर इस तरह की घटनाएं हैं तो घटनाएं सब संगीन है, जनरलाइजेशन मत करिए किसी घटना का। 2024 से लेके 2017 से लेके 24 तक उत्तर प्रदेश में बलात्कार ही नहीं हुए, इनके बयान से साफ जाहिर होता है। तो सर आप वो डाटा भी दिखाइए ना, नहीं है तो मैं बता देता हूँ आपको, उंगलियों पर मैं नाम बता देता हूँ कि कितने उत्तर प्रदेश में बलात्कार इनकी सरकार में हुए, इनके नेताओं ने कहा। राहुल गांधी क्यों नहीं गए? इनके नेताओं ने कहा, इनके नेताओं पर लगातार तमाम बलात्कार के आरोप है। सवाल केवल और केवल इतना सा है कि राहुल गांधी आरोपी है, स्पष्ट आरोपी है, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। स्पष्ट आरोपियों को क्यों बचाया गया है? नहीं जी, पता क्या है, इस बार बड़ा अच्छा हो गया है, बीजेपी खुद बुला रही है कांग्रेस को कि आप आइए, आमतौर पर ऐसी घटनाओं में होता नहीं है। जिन घटनाओं का जिक्र किया अभी पिंटू केसर जी ने, घटना अलीगढ़ वाली घटना, वहां पर तो रोका जा रहा था, आज तो बीजेपी बुला रही है कांग्रेस समाजवादी पार्टी को डेलीगेशन लेके आओ और पीड़ित परिवार के साथ बैठो और उनसे पूछो हालचाल, लेकिन कोई नहीं आ रहा सर, ये बड़ा अजीब हो रहा है। पार्टी के नेताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से मिलेगा, कांग्रेस का डेलीगेशन निश्चित मिलेगा, मगर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में तमाम बलात्कार के आरोपियों को जब नाम सहित आरोपित है उनको अभी तक क्यों बचाया जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के जवाब दे रहे हैं, चाहे चिमनानंद दो, चाहे संगीत सोम हो, तमाम ऐसे नेताओं के नाम है। अभी पुरानी घटनाओं का जिक्र करके आपने जो नाम बोले हैं इसी तर्ज पर, इसी वॉयस मॉड्यूलेशन पर आप ये जो घटना हुई है इनके अपराधियों के नाम बोलिए। अनुज जी बोलिए जी। नहीं नहीं, जैसे अभी आपने पुरानी घटनाओं का जिक्र किया और इनके अपराधियों का या जो इनमें सम्मिलित थे उनका नाम अपने आपने लिया, लेकिन ये जो अयोध्या वाली घटना घटी है इसमें जो अपराधी या जो आरोपी नाम लिए गए हैं उनका नाम लीजिए आप। मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ लीजिए, दोनों का नाम लीजिए सर, उसको जेल भेजी है, मैं उसका नाम ले रहा नाम लेके बोलिए ना भाई, ये जो आरोपी है उनका नाम लीजिए इंक्लूड करके सर, उसका नाम आप एक पर्टिकुलर, मैंने कहा ना आप, मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर क्या होता है, पार्टिकुलर नाम लीजिए ना, अभी आपने घटनाओं का जिक्र किया, आपने चिन्मयानंद टाइप का कुछ नाम बोला ना, वैसे बोलिए इस घटनाओं में नाम जोड़िए। माननीय दुबे जी, आप एक पर्टिकुलर पक्ष लेकर आप इस पक्ष नहीं, ना 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 ना, ये देखिए पता क्या है जी, जब असहज हो जाते हैं ना पता अटैक करने लगते हैं एंकर पे, अटैक करेंगे तो एंकर पिछड़ जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं सर, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेने वाला सर, मैं दबाव पूछूंगा ना, दबाव सवाल नहीं, बिल्कुल हिलने नहीं वाले सर, मैं अनुज जी सीधा सीधा पूछूंगा, नाम लीजिए, अभी आपने चार घटनाओं का जिक्र किया, चारों के आरोपियों का नाम लिया, स्क्रीन पर बैठ के नाम लिया, अब आप मुझे इस घटना के आरोपी का नाम लेकर बताइए। हम एक ही बात कह रहे हैं कि दोषी को तत्काल जेल भेजिए, तत्काल उसको फांसी लगाइए, तत्काल दोषी हो गया, बड़ी कार्रवाई करिए। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, ये भी उत्तर प्रदेश की जनता को देखना चाहिए, अब दोषी हो गया। देश में इससे पहले भी बलात्कारियों के नाम आपके सामने, आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे भाई उस पर भी कार्रवाई करा दीजिए सर। एक सेकेंड, आज ये जो डिबेट है ना, जब आपको हमारे सहयोगी बुला रहे होंगे तो बताए होंगे आज की ये घटना है, पुरानी घटना पे जिस दिन डिबेट करेंगे उस दिन आपको बुलाएंगे और डंके की चोट पर नाम लेंगे उसका। पुरानी घटनाएं भी सर उखाड़ी जाएंगी और कही जाएंगी, वो एक मिसाल है। हाँ वो मिसाल है बिल्कुल, उसको क्यों डिनाई करा जाएगा? हाथरस की घटना का जिक्र हो तो ठीक, अलीगढ़ की घटना का जिक्र हो तो ठीक, और बिल्कुल हो, मैं तो कह रहा हूँ 10-20 घटनाओं का जिक्र होना चाहिए, लेकिन ये जो अभी घटना चल रही है उत्तर प्रदेश में इसका जिक्र क्यों ना हो, इसके दोषियों का नाम आप क्यों नहीं ले पा रहे अनुज जी? सर आप ये बताइए ना मुझे, वो घटना नहीं, ये पता क्या है, ये जो ये फॉर्मूला वाला लक्ष्मण रेखा है ना, ये आपको टच नहीं करने दे रहा है इंडो नामी गांधी परिवार, अब तक कहाँ है गांधी परिवार, क्यों नहीं गया गांधी परिवार अब तक वहाँ जवाब? अरे तो नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं है, उन दोनों एनएपी के कार्यकर्ता को जेल भेज रहे हैं, क्यों नहीं आया, बताए हुए उस घटना को साल से ऊपर हो गया, इसका क्यों नहीं, क्यों नहीं उनको जेल भेजा? बताइए आपके प्रधानमंत्री की कॉन्स्टेंसी है, पार्टी डिफेंड बात कर रहे हैं आप, इस देश में झूठ मत फैलाइए आप लोग, झूठ आप फैला रहे हैं, भ्रष्टाचार आप फैला रहे हैं, झूठ यूनिवर्सिटी का आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, अविनय जी आपको मिला हुआ है, अविनय जी देखिए जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, बनारस वाली जब घटना हुई ये बात तो बिल्कुल सत्य है
कि एक महीना तक तो कुछ हुआ ही नहीं, एक महीना तक सब शांत रहा, लेकिन जब ऊपर से दबाव आने लगा सर, इसके बाद आपकी पुलिस जागी और इसके बाद कार्रवाई हुआ, क्योंकि आपको पता चला कि अब मामला हो, अब आपकी पार्टी से जुड़े थे, आईटी सेल और फिर वगैरह वगैरह हो रहा था, इस वजह से इन लोगों ने आप पे अटैक किया। आज जब उस अपराधी का नाम अशोक जी आपकी पार्टी से जुड़ रहा है तो आप अपनी पार्टी से जोड़ भी नहीं रहे हो। और जो तस्वीर आई अवधेश जी के साथ, नए नवेले और बड़े प्रमुख, बड़े ही बड़े हाव भाव के नेता के साथ, तो आप लोगों ने नकार दिया कि नहीं, नेताजी के साथ तो हजारों लोग तस्वीर खिंचवाते रहते हैं, तो फिर ऐसे कैसे मान ले हम? संक्षेप में कह रहा हूँ, संक्षेप में भाई शिवम जी कह रहा हूँ, जब बार बार लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो भी दोषी हो उसे कठोरतम दंड दिया जाए, कानून सम्मत दंड दिया जाए, लेकिन एक बार डीएनए भी करा लिया जाए कि अगर अगर वो दोषी ना हो तो जो अधिकारी है, अधिकारी गलत फंसा रहे हैं उनके पर कार्रवाई की जाए। हाँ, उसने क्या गलत बोल दिया? बिल्कुल, अधिकारी गलत। और फिर ये जो, अच्छा ठीक है, ये छोड़ देते हैं अशोक जी, ये अभी अनुज जी तो नाम नहीं ले पाए, ये अभी अनुज जी ने एक चीज कहा, आप नोट किए कि नहीं, उन्होंने कहा ये डीएनए टेस्टिंग वाली मांग, नार्को टेस्ट वाली मांग समाजवादी पार्टी को नहीं करना चाहिए था, अनुज जी ने ऐसा कहा, लेकिन आपके सहयोगी दल है, चलिए छोड़िए। हाँ ठीक है, उन्होंने कहा ये उनकी राय हो सकती है। जैसे अभी एबीवीपी और बाकी सबका नाम लिया जा रहा था, ये अशोक जी जरा ये जो दोनों दोषी है इस मामले में उनका नाम बताइए क्या है। अरे भाई नाम हम क्या बताएं, नाम हाँ, नहीं जानते हैं। बिल्कुल, हम क्या बताएंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अशोक जी, मतलब अनएक्सपेक्टेड, अमेजिंग। एक बात और सुन लीजिए शिवम जी, फोटो जो है सेशन जो है, मैंने फिर पहले कहा था कि योगी जी के साथ फोटो है, सुरेंद्र सिंह के साथ फोटो है, केशव मौर्य का फोटो है, आरटी सर के उस दोषी का फोटो सभी के साथ है, और इस दोषी का फोटो अवधेश जी आपके नए नवेले सांसद के साथ है। खैर मैं आपके पास आऊंगा, पिंटू तोमर जी का संदेश है, ना ना मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा, पिंटू तोमर जी कुछ कहना चाह रहे, ध्यान से सुनिएगा इनकी बातें, ये तथ्यात्मक बातें जरा सुनिएगा, पिंटू जी बोलिए। इन्हें तो जानते ही होंगे अशोक जी, आप इन्हें तो जानते ही होंगे सर, अखिलेश यादव के साथ बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? सभा चुनाव में संविधान की किताब साथ रखते थे, इसके अलावा संसद में भी वो कई बार दिखा चुके हैं। उसी संविधान के तहत सीआरपीसी और आईपीसी होती है जो पीएनएस और बीएनएनएस हो चुकी है, जिसमें 161 और 164 दो एक ऐसे प्रावधान है सीआरपीसी के तहत जिसमें 161 पुलिस के सामने बयान दर्ज होता है किसी भी पीड़ित का, चाहे वो किसी मामले का हो, और 164 वो कोर्ट के सामने दर्ज होता है। हाँ। तो या तो कांग्रेस के साथ ही हमें ये बता दे कि वो संविधान को नहीं मानते, जब उस पीड़िता ने, उस 12 साल की मासूम बच्ची ने 164 के बयान के तहत ये कह दिया कि वो आरोपी है, तो इसका मतलब ये माना जाए कि अगर आज भी ये उसको डिनाई कर रहे हैं, उनका नाम नहीं ले रहे हैं, नहीं, 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 वो 161 162 नहीं जानते पिंटू तोमर जी, वो तो कह रहे हैं कि डीएनए टेस्टिंग करवाइए, नार्कोटिक करवाइए, मतलब वो कह रहे पूरा ब्रेन मैपिंग करवाइए, लेकिन वो नहीं मानेंगे, वो 61 62 राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेके ना, हाँ वो सिर्फ सदन के लिए ऐलान करता, ऐसे ऐसे घूमती रहती है वो, ये तो हाल है हमारे देश का, इतनी संवेदनशील घटना, इतनी संवेदनशील, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है भैया पहले डीएनए टेस्टिंग करवाइए, पहले ये करवाइए, राजनीति नहीं होना चाहिए, जो अधिकारी गलत हो उन पर कर, इतना कैसे आश्वस्त है अखिलेश यादव जी की प्रशासन गलत है लेकिन आरोपी नहीं? अशोक तिवारी जी, जब आप ऐसी बातें करते हैं, ऐसे ट्वीट करते हैं, तो आप खुद को एक्सपोज करते हैं। और मेरा सवाल तो यह है कि वो जो पीडीए वाला फॉर्मूला था, वो आज वो लड़की पीडीए वाले फॉर्मूले में आती है या नहीं आती है? स्पष्ट रूप से मैंने कहा जब पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी उस पीड़ित परिवार साथ खड़ी है, कहां खड़ी है हम तो नहीं देख पा रहे, कोई कहां? आपके सांसद जी जो कि अयोध्या के ही हैं, वो तक लड़की के यहां नहीं गए, हम कैसे मान ले खड़ा है परिवार? ट्वीट पे मान ले, हमारे सांसद जी है, एक वरिष्ठ सांसद है, हाँ, वरिष्ठ सांसद और आदरणीय है, तो मैं जी सुनते रहिएगा, वरिष्ठ सांसद और दलित दलित परिवार से आते हैं, आज उन पर कोई पश्चिम नहीं कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता, बिल्कुल बिल्कुल, देश में और विदेश में ना, एक दलित परिवार से आते हैं, हमारे आदरणीय है, हमारे प्रदेश के एक वरिष्ठ सांसद है, बिल्कुल, और इसलिए वो जिम्मेदार व्यक्ति है, हाँ, और जिम्मेदार व्यक्ति है, वो अभी पीड़िता के घर नहीं जा पाए हैं, और उन्होंने सड़क के गड्ढे देखने चले जाते हैं अशोक तिवारी जी,
बच्चों की पीड़ा देखने का समय नहीं है उनके पास। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है लखनऊ से एक बकायदा चिट पकड़ा दी जाती है कि जो हमने बोला है आपको कॉपी पेस्ट कर देना है जी। उन्होंने दोषियों को कड़े से कड़ा दंड देने की बात कही है। हाँ वही वही हम भी कह रहे हैं कि वो जो अवधेश प्रसाद जी है नए नवेले सांसद आपके माननीय और इतने बड़े नेता वो सड़क के गड्ढे देखने चले जाते हैं मीडिया कर्मियों के साथ और कैमरामैन के साथ लेकिन पीड़ित बच्ची का दर्द देखने नहीं जा पाए। ये तो हमारे प्रदेश का उत्तर प्रदेश का हाल है। खैर अविरल मलिक जी देखिए जब आप ये कहते हैं कि व्यापारी हो या बेटी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है तो वो पैमाना खड़ा करिए उसमें बखेड़ा नहीं उसमें जो धुआंधार कार्रवाई करनी है वो करिए। बाकी कांग्रेस सपा इनको कब से आप इंतजार करने लगे कब से बोलने लगे कि भैया आप आइए हमारे साथ खड़े होइए। जी देखिए अपने सरकार का भी महिमा मंडन करने का प्रयास कर रहे थे अशोक तिवारी जी जब इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी जब मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था तब आजम खान के मंत्री ने क्या कहा था इन्हें मालूम है दैनिक भास्कर की खबर मेरे पास मौजूद है 11 साल पुरानी खबर है उन्होंने पुलिस से कहा था जो हो रहा है होने दो और इस खबर को अगर पढ़ना चाहते हैं तो मैं इन्हें भेज दूंगा। इनके इनके पार्टी के अध्यक्ष के पिताजी दिवंगत हो गए हैं मुलायम सिंह जी वो कहते थे भाई लड़के हैं लड़के से लड़कियों लड़कों से तो गलती हो जाती है ये बयान भी है हालांकि उतना दूर नहीं जाते हैं लेकिन अशोक तिवारी जी एक चीज याद रखिए कि कोई भी हो सांसद हो उसी लड़की के परिवार वालों ने हो सकता है आपको वोट दिया होगा। आपका डेलीगेशन और कांग्रेस का डेलीगेशन कब जाएगा इसका पूरे उत्तर प्रदेश को इंतजार है क्योंकि कांग्रेस के जो मुख्य नेता हैं वो भी उत्तर प्रदेश से हैं और समाजवादी पार्टी के जो मुख्य नेता हैं वो भी उत्तर प्रदेश से हैं। अब उत्तर प्रदेश देख रहा है कि कौन उस पीड़ित परिवार से मिलने जाता है और कब जाता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखिए समय कम है चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अविरल जी आपका भी अनुज जी आपका भी अशोक जी आपका भी पिंटू तोमर जी आपका भी चर्चा में समय देने के लिए शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रेप पर राजनीति नहीं होनी चाहिए कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन अब एक तरफ अखिलेश यादव दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो कह रहे हैं कि भाई पीडीए का फॉर्मूला और उस पर आप राजनीति कर रहे हैं पहले पीडीए और अब डीएनए और इधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पूरी तरीके से पहले नार्को टेस्ट हो जाए डीएनए हो जाए सब कुछ हो जाए राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो राजनीति दोनों नहीं कर रहे हैं मगर राजनीति कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यह मामला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा कौन जाता है कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी इनका डेलीगेशन कब जाएगा इसका भी इंतजार कर रहा है उत्तर प्रदेश। चर्चा में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार।